हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा कुशांशा। गाइस, आपको पता है 10 में से एक बंदे को आज की तारीख में आर्थराइटिस यानी कि गठिया यानी कि संधिवा की बीमारी है, और साथ में क्यूसिंग पेन्स, जॉइंट पेन्स से भी बंदे आज परेशान हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसके होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? वैसे तो बहुत सारे कारण हैं ये संधिवा होने के, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है आपका ओवरवेट होना। अगर आपको संधिवा है और आप ओवरवेट हो तो समझ जाइए कि आपको संधिवा आपकी ओवरवेट होने की वजह से ही हुआ है। और देखो गाइस, आपको पता है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि जिसको होता है ना उसको ही पता होता है कि इसका पेन कितना गंदा है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे इसका दर्द भी बहुत ज्यादा असहनीय होता जाता है। तो इसका कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन आप अपना वेट कम करके, आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाके और साथ में थोड़ी सी ट्रीटमेंट लेके आप इसके दर्द को कम कर सकते हो, बहुत ज्यादा कम भी कर सकते हो। देर आर मोर देन 100 डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस एंड रिलेटेड कंडीशंस हमारे लोगों में पाई जाती है, और सबसे ज्यादा उसमें ऑसियो और रूमेटोइड आर्थराइटिस ही ज्यादा लोगों में पाया जाता है। वैसे बहुत सारे और भी है, लेकिन ये दो जो है ना वो सबसे ज्यादा मेन लोगों में पाए जाते हैं ये संधिवा। लेकिन गाइज, हम भारत देश में रहते हैं और हमारा भारत देश ना हमारे आयुर्वेद से जाना जाता है, या बहुत अच्छी तरह जानते हो। तो हमारे पास सौभाग्य से ऐसी बहुत अच्छी प्राकृतिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां है, घरेलू जड़ी बूटियां है, जो हमारे इस दर्द को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो आज मैं आपको ऐसी 5 आयुर्वेदिक चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको वेट लूज में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, साथ में अगर आपको संधिवा का दर्द है तो उसको भी बहुत ज्यादा कम करने में हेल्प करेगी। तो ये वीडियो एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं है तो फ्यूचर में ना हो उसके लिए भी आप ये चीजों का इस्तेमाल करके सावधान रह सकते हैं। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, अगर ये एक बार हो गया तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। आप ये गूगल कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आपको सब्सक्राइब करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जो मेरा नाम है वीडियो के नीचे पूजा कुशांशा, उसके बाजू में सब्सक्राइब का रेड कलर का आइकॉन है, आपको बस उस पर क्लिक करना है। जैसे ही करोगे सब्सक्राइब हो जाएगा और मैं बहुत अच्छे वेट लूज के और हेल्थ बेनिफिट्स की वीडियो अपलोड करती हूँ। तो सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकॉन है आप उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सके और उसे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जो आपके डियर नियर हैं उनको बताइए ये चीजें, क्योंकि उनको भी ज्यादा जरूरत है ये सारी चीजें जानने। कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जाके चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे मिल जाएगी। नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी, ठीक है गाइस। तो चलो लेट्स स्टार्ट कि कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक चीजें आपको यूज करनी है फॉर वेट लूज और फॉर आर्थराइटिस। टर्मरिक यानी कि हल्दी, अ वाइल्डली रिसर्च एंड यूज स्पाइस लोडेड विद हीलिंग प्रॉपर्टीज, ये आपको पता है। और हल्दी में ना एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, जो आपके जॉइंट पेन और आपके संधिवा के पेन को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। एंड इट इज क्लेम्ड दैट कि हल्दी से वेट लूज बहुत जल्दी होता है, आपका मोटापा बहुत जल्दी दूर होता है, बिकॉज इट्स बूस्ट योर फैट बर्निंग प्रोसेस एंड हेल्पिंग यू इन अ वेट लॉस। और गाइज, ये भी बहुत सारे रिसर्च से पता चला है कि हल्दी में कर्क्यूमिन होता है जो एज अ एंटी कैंसर वर्क करता है। तो अगर आपको कैंसर से बचना है तो हल्दी आपको इस्तेमाल करनी ही करनी चाहिए। सेकंड है जिंजर यानी कि अदरक। दिस सुपर रिफ्रेशिंग हर्ब इज वेल नोन फॉर इट्स एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, और जिंजर के यूज से ना संधिवा के दर्द को बहुत ज्यादा कम किया जा सकता है, ऐसा रिसर्च में कहा गया है।
तो गाइज आप ना अदरक के तेल के साथ साथ अगर आप अदरक की चाय भी पीते हो तो वो भी बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देता है। और जिंजर बहुत ज्यादा पॉपुलर है फॉर वेट लॉस, ये आपको पता ही है, वेट लॉस के लिए अदरक बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट देता है। सो आप जिंजर को अपने डाइट में ऐड कीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है आपके आर्थराइटिस पेन को कम करने का और आपकी वेट लॉस में जो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस है उसको इंक्रीज करने का। थर्ड है अश्वगंधा, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्ब इन आयुर्वेदा। एंड स्टडी शोज दैट कि अश्वगंधा जो है ना वो इफेक्टिव एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है, ये स्टडीज में पता चला है। और अश्वगंधा को ना संस्कृत में घोड़े की गंध कहते हैं, तो इससे ना मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा बूस्ट होता है अश्वगंधा अगर आप लेते हो तो। उसके साथ आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ये सारी चीजों में अश्वगंधा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अश्वगंधा इट्स द बेस्ट हर्ब फूड फॉर वेट लॉस, वेट लूज में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। त्रिफला, अ ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन विद अमेजिंग हीलिंग एबिलिटीज, या बहुत अच्छी तरह जानते हो त्रिफला में जो जड़ी बूटियां यूज होती है ना वो बॉडी के उपचार के लिए एज अ एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज की तरह काम करती है। तो ये ना आपकी संधिवा के जो दर्द है और आपका जो जॉइंट पेन है उसको बहुत ज्यादा कम कर देती है, आपको ना के बराबर भी करती है क्योंकि उसमें इतनी अच्छी एबिलिटीज है त्रिफला के अंदर। और त्रिफला क्या है, पता है, आपकी बॉडी का जो एक्सेस यूरिक एसिड है ना उसको बाहर निकाल देता है जिसकी वजह से आपकी फैट बर्निंग प्रोसेस को स्पीड मिलती है। और आपको पता ही है कि त्रिफला हमारा पेट साफ करने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि अगर आपका पेट अच्छा साफ हो जाएगा त्रिफला से तो आपका पेट में कुछ बचेगा ही नहीं स्टोर होने के लिए, स्टोर फैट बनने के लिए। तो आपको त्रिफला लेना चाहिए क्योंकि वो आपके पाचन शक्ति को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। तो उससे क्या होगा, आपकी पाचन शक्ति ज्यादा इंप्रूव होगी तो उसको वर्क करने के लिए ज्यादा कैलोरीज भी चाहिए होगी, तो वो ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगा और आपका वेट लूज भी करेगा। तो त्रिफला आपको कंपलसरी एवरीडे लेना ही चाहिए। लास्ट है सतावरी। सतावरी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के अनुसार सतावरी गैस्ट्रिक समस्याओं के लिए, फीवर के लिए, हेडेक के लिए, इनबैलेंस हॉर्मोन्स के लिए, फिर श्वसन यानी कि ब्रीथिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए, सारी चीजों को ठीक करने में सतावरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और सतावरी का जो पावरफुल इफेक्टिव ये जो मेडिसिन है ना आयुर्वेदिक की, उसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी है जो आपको संधिवा के सिम्टम्स को दूर करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और साथ में ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है और आपकी बॉडी में से जो टॉक्सिन्स है उसको भी फ्लश कर देती है। और ये सारी प्रॉपर्टीज अगर अच्छे से वर्क करती है तो आपका वेट लूज ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगी, टॉक्सिन फ्लश हो जाएंगे बॉडी से, तो ऑटोमेटिकली वेट लूज भी होगा। तो सतावरी एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक ऑप्शन है फॉर वेट लूज और आपका जो आर्थराइटिस का जो पेन है उसको रिड्यूस करने के लिए भी। जितनी भी रेमेडीज बताई है वो सारे की सारी आपको किचन में ही मिल जाएगी, आपको कहीं बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं आती है। और ये आयुर्वेदिक है तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन गाइज अगर आपको इसमें से कोई भी चीज की एलर्जी है तो प्लीज आस्क योर डॉक्टर बिफोर यूज, ठीक है। और आज की हेल्दी टिप ये है कि आपको रोज रात को एक ग्लास गर्म पानी में 1.5 से 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण को पी जाना है साथ में। इससे क्या होगा, आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा और साथ में आपको ये वेट लूज में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये आप खुद जल्द से जल्द महसूस करोगे अगर आप ये रोज लेना स्टार्ट करोगे तो, ठीक है। तो ये थी आज की हेल्दी टिप, इसे अपनाइए और ये सारी चीजों को फॉलो कीजिए, फिट रहिए और अपना वेट कम कीजिए और अपना जो संधिवा का दर्द है उसको भी दूर भगा दीजिए, ठीक है। और गाइज मैं ना बहुत अच्छे अच्छे वेट लूज के और हेल्थ बेनिफिट के वीडियोज अपलोड करती हूँ तो आप मिस नहीं करना चाहते हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कुछ ना समझ में आए तो, और गाइज प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तब तक स्टे ट्यून विद मी, आई एम पूजा कुशांशा, बाय बाय और डू नॉट फॉरगेट
टू फॉलो योर डाइट डू नॉट फॉरगेट योर वर्कआउट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।